श्री के महावीर जी कॉम्बिनेशन इतनी अच्छी कॉम्पोजिशन और आपने इसको चार नहीं शायद 15-16 चांद लगा दिए होंगे 400 चांद लगा दिए होंगे. थैंक यू फॉर डूइंग दिस ट्रैक एंड थैंक यू वंस अगेन. जो संपर्क हाथ आ रहा था कौन सी चीजें कमाल लग रही थी आपको? मैं बस ये कहना चाहता हूँ सबसे पहले कि बहुत ही जमाने के बाद एक खूबसूरत और एक गजल की जो रूह होती है वो नजर आ रही है. रूह को दिखाना पर्दे पर आसान काम नहीं है और गजल ही इतनी एक ऐसी शय है कि वो बशीर बद्र साहब कहते हैं ना कि आहिस्ता गजल पढ़ना. आहिस्ता गजल पढ़ना ये रेशमी लहजा है, तितली की कहानी है, खुशबू की जबानी है. तो आप इसको इसके इसमें डिफाइन कर सकते हैं. और इतनी खूबसूरत और प्रतिभा माशाल्लाह इतना अच्छा गाती भी हैं. ये गाने के अलावा ये इनमें एक गजल गाने के लिए एक रूह चाहिए होती है. रूह याद अगर गाना नहीं होना तो गजल तो ऊपर से सरसरी गा देते हैं लोग. तो ये गाती भी हैं और ये अंदर से गाती हैं और सुर को देखती हैं माशाल्लाह. और हम यही दुआ करते हैं कि ये और तरक्की करते रहें. और ये छोटी बच्ची ये इतना खूबसूरत माँ पर आप अनु आपको बताऊँगा. मुझे एक अचानक एक ऐसा एक शेर याद आया कि जरा याद करता हूँ. नील गगन पर सुनते हैं तो कुदरत रहती है. नील गगन पर सुनते तो हैं कुदरत रहती है लेकिन माँ के पांव के नीचे जन्नत रहती है. नील गगन पर ये अचानक याद आया. और ये इतनी आपके पिताजी वाले साहब की खूबसूरत कॉम्पोजिशन मतलब जिस तरीके से उन्होंने मैं वो टेक्निकलिटीज में जाऊँगा नहीं लेकिन रूह में जाऊँगा उसका. थैंक यू. Is Stephen, मैं क्यों बोलना चाहता हूँ टू प्रोड्यूस अ गजल टू प्रोड्यूस अ ट्यून विच इज गजल फॉर्मेशन एंड टू कीप इट अलाइव विद अ साउंड प्रोडक्शन विच इज कम्प्लीटली नाउ
आई थिंक जितनी तालियां बजनी चाहिए स्टीफन के लिए कम है. आई थिंक दैट्स एन अमेजिंग प्रोडक्शन, अमेजिंग, कीपिंग द फुल गजल इन माइंड. मैं उस पर आने ही वाला था लेकिन आपने अच्छा है, आपने कह दिया. मैं चाहूंगा ऑफ कोर्स हमारे दो पिलर पीछे खड़े हैं चुपके, नीरज जी हमारे रिकॉर्डिस्ट और अनिल हु शॉट द वीडियो. प्लीज गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू अनिल एंड नीरज जी. आई वुड लाइक स्टीफन भाई टू से फ्यू वर्ड्स प्लीज. आई थिंक यू हैव हर्ड it. I was very, I wanted to touch it very fragile because the whole the song has already spoken and I've just given the fragments of what did it need. And the technology, the sound is new and we have to obviously follow the trend. So I've just give little, just fragments. No, of you don't follow a trend. You set a trend. Ah. Thank you. Thank you. Absolutely. Thank you. So never follow a trend. Set your own trend. Thank you. Absolutely. Thank you. And which you have done. Thank you. And I have to sincerely thanks once again Sandeep ji, and just because of him, I know I have got this opportunity to know the composer, the great K. Mahavir ji, Guruji ka composition. It was my blessing that I got this opportunity. Thank you. Fantastic, Sandeep. मैं चाहूँगा कि हमारे बहुत अच्छे कलाकार चंदन भाई हैं. हमारे जीजा जी हैं भाई. अच्छा नहीं, आपके जीजा जी हैं. लेकिन ये अपनी जात में खुद बहुत अच्छे फनकार गजल के. आइए चंदन, और उनकी शरीक है हयात यामिनी, उनको मत भूलिएगा. महावीर जी के लिए मैं क्या बोलूं. मैं जब भी मैं उनको सुनता था रेडियो में, अक्सर मैं यामिनी से मैं पूछा करता था कि भाई किसकी ये कंपोजिशन है लता जी के गाए हुए. और मैं हमेशा वेद भारती से मैं सुना करता था और कभी सोचता था कि कभी मुलाकात होगी. तो एक प्रोग्राम में उनसे मुलाकात हुई पटना में और उन्होंने मुझे बहुत दुआएं दी, बोले बेटा कभी आओ बॉम्बे, मैं मिलूँगा. और फिर आज जो एल्बम हमने सुना है, इसमें संदीप जी ने जो कंपोज किया है वो लाजवाब कंपोजिशन है. अच्छा, तो और जो प्रतिभा ने जो गाई है वो बहुत ही खूबसूरत, कलाम भी बहुत लाजवाब है. मैं इस एल्बम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ. थैंक यू प्रतिभा. सबसे पहले तो आपने बहुत ही अच्छी उनकी कॉम्पोजिशंस गाई हैं, जो कि आसान काम नहीं है. और मेरी खुशनसीबी है कि मैंने एक बार उनको सामने से बैठ के सुना था, और जब उन्होंने गाया कि तन्हाई वाला जो गाना है, मेरी तन्हाई, नहीं नहीं वो दूसरा, तो जो बन गए आज वो साथी मेरी तन्हाई के, तो मैंने वो जो खत तूने, तो मैंने बाकायदा तन्हाई को देखा था. तो उनकी कॉम्पोजिशन गाना आसान काम नहीं, पर आपने किया. एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई फैमिली दैट आई एम पार्ट ऑफ इट. आई एम वेरी प्राउड ऑफ संदीप राजीव. मैं ये बता दूँ जिनको नहीं पता हो कि हम फर्स्ट कजन हैं. यामिनी दीदी द वन एंड ओनली मेरे ताऊ जी के पन्नालाल जी की बेटी हैं, और हम उस परिवार से हैं. मैं फिर से तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ. और एक चीज़ बिफोर आई वाइंड अप, आई वांट टू डू फॉर ऑल द डिग्निटी स्टैंडिंग हियर, सो आई एम गोइंग टू जस्ट टेक टू मिनट्स. संदीप जी, बिफोर द सॉन्ग इज कंप्लीटेड, आई थिंक ऑलरेडी संदीप जी, आई वांटेड टू सिंसियरली थैंक नीरज सिंह फॉर डूइंग द साउंड मिक्सिंग एंड अनिल सिंह टू शूट इट, द विजन एंड इमोशन. थैंक यू. इमोशन एंड आल्सो बीइंग दिस प्रोड्यूसर, फर्स्ट टाइम व्हिच आई केम टू मुंबई टू वर्क in Bollywood. Even I was working with A.R. Rahman and a lot of other musicians. In Anu Malik ji is the first person to bring me to Bombay. So thank you so much for that wonderful opportunity. एक appreciation of love है towards ना पूछो and my dad that we want to celebrate and give everybody. तो मैं पहले तो हमारी जो सबसे खूबसूरत और छोटी और सबसे पहले जिसने इस गाने को justify किया और गाने की हिम्मत करके गा गई और बड़े पैशन से गाई, तो अनु जी पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये प्रतिभा को प्रेजेंट करें. प्लीज गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज.
भाई मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा स्टीफन को आप प्लीज कम इन वन लाइन सो वी नो प्लीज गिव अ बिग राउंड फॉर स्टीफन प्लीज प्लीज और आप हम सबकी तरफ से हमारे अनु जी ये आपके लिए सर सर रूबी भाई ये कुछ नहीं आप आपको आप खोलेंगे तो आपको मजा आएगा मैं आपको एक चीज बताऊं क्योंकि मेरे दिल में मैं कोई जाने से पहले बात रखना नहीं चाहता ये वो भाई हैं जिनके वजह से इवेंट पार भी लगा है और इनको मैंने रातों को बड़ा परेशान किया है सो लफ्जों में थैंक्स नहीं हो सकता बट ही या तालियों में मैं रोमी भाई आप ही से कहूंगा कि आप तलत भाई मैंने ये काम कर रहे हैं ये रोमी भाई आप भी दिए बेटा तू ये इनके लिए ये बात ये बता अनु जी टू प्लीज ऑनर अनिल सिंह माय डीओपी माय साउंड इंजीनियर प्लीज एक बार जोरदार तालियां हमारे बहुत अजीज खेमचंद भगनानी जी वासु भगनानी जी के भाई एंड आई एम सो थैंकफुल दैट ही इज हियर टुडे एंड ही अप्रिशिएट्स ऑल ऑफ दिस म्यूजिक सर थैंक यू फॉर कमिंग थैंक यू सो मच फॉर कमिंग माय फैमिली माय ब्रदर अनिकेत निगम जी आई एम सो थैंकफुल फॉर हिम टू बी हियर आने वाले उज्ज्वल निगम जी थे जो मेरे बड़े भाई हैं एक्चुअली वो इतने हिंदुस्तान को संभालने में बिजी हैं जिनका कोई मतलब पब्लिक प्रोसिक्यूटर ऑफ इंडिया वन ऑफ द फाइनेस्ट लॉयर तो वो नहीं आ पाए पर हमारे अनिकेत जी भी वैसे ही ब्राइट लॉयर हैं और आप उनको भी वैसे ही देखेंगे थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर मैं माइक मिलेगा जरा दो तो थे कहाँ चला दिया इनकी तरक्की देख रहा हूँ आज के माशाल्लाह बहुत सुर में बहुत सुरीली हैं और गला भी सुर में है वो खुद सुर में है माशाल्लाह और भाई इन दोनों के बारे में क्या बताऊँ इनके पिताजी के बारे में क्या बताऊँ सारी दुनिया जानती है हम तो बहुत छोटे हैं तो मुझे यकीन है कि ये जो भी ये जो सिंगल इन्होंने रिलीज किया है कर ना पूछो, ना पूछो और ये छोटी बिटिया के साथ बेटा इसके तो बहुत ही उम्दा होगा संदीप बरजात खुद एक बहुत अच्छे फनकार हैं ऐसा मतलब ये नृत्य में मतलब जैसे हम लोग गले से छलांग लगाते हैं या काम करते हैं ये वैसे ही कमाल है और राजीव इनका भाई ये तो बहुत पुराना रिश्ता है हमारा ये माशाल्लाह तबला और हर एतबार से पूरा ख़ानदानी ऐसा है मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि आज हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है और हक जहाँ होता है वहीं मतलब रिश्ता जहाँ होता है वहीं पे आदमी हिम्मत कर सकता है और मैंने तलत भाई को इनका बहुत बहुत मेजर काम बहुत इम्पोर्टेंट ऐसा कोई मेजर वो छुड़वा कर इनको कहा तलत भाई मैंने कहा ही नहीं मैंने ऑप्शन ही नहीं दिया कि आपको आना है ये पापा के लिए है क्या ये सब बातें कोई आप लोग ये सब लेंगे लेकिन ये सब आएंगे नहीं एडिट हो जाएंगे मुझे पता है बहुत पुराना बात है इतना इतनी बार ये जी उनके बारे में क्या कुछ कहना है मैं बहुत छोटा हूँ मेरे पिताजी के बारे में बात करने के लेकिन हाँ वो उन्होंने जो काम किया सारा खुशी हमें उनकी औलाद होने से इसलिए अच्छी लगती है कि वो आज भी अपने काम से ज़िंदा हैं आज भी चार पीढ़ियाँ प्रतिभा चौथी पीढ़ी होगी उनके जनरेशन की जो आज भी उनकी कंपोज की हुई गज़ल 50 साल हो गए उनके कंपोज़र जी जी रिलीज़ हो रहे हैं जी क्या कुछ कहना चाहोगे मेरे लिए बहुत बड़ा मोमेंट है मैंने जब इसे डिज़ाइन किया सोचा कि इसे करना है तो पहला नाम आया कि मैं प्रतिभा से बात करूंगा एंड प्रतिभा हैज़ बीन वेरी काइंड टू कम फॉरवर्ड ऐसे लगा कि परिवार का एक और शख्स जुड़ गया और उसने इसी तरीके से इस गाने का मोमेंट किया और बहुत खूबसूरती से गाया आप सब लोग सुनेंगे तलत भाई हम लोगों को प्रतिभा को आशीर्वाद देंगे कि हमने जो कदम उठाया है क्योंकि
सही गलत कहने वाले बुजुर्ग हमारे साथ खड़े हैं जो इस चीज को करेक्ट कर सकते हैं। गलत की बात नहीं, सही होगा यकीनन, क्योंकि आप इतने अच्छे बड़े फनकार की कॉम्पोजिशन, मुझे यकीन है कि बहुत ही अच्छा उसको, और फिर ये सुर में गाती है माशाल्लाह बहुत। देखिए क्या है, सुर एक इतनी पाक चीज़ है, आप लोग जानते नहीं हैं लेकिन जानते भी हैं। आजकल के दौर में वैसे भी बहुत कम लोग जानते हैं सुर क्या चीज़ है, लेकिन सुर जो है ना इतना पाक है, अगर सच्चा सुर लग जाए। हमारे उस्ताद कहते थे कि सुर को देखा करो, तो हमें समझ में नहीं आता था कि कैसे देखते हैं, आज समझ में आ रहा है कि क्या देखते हैं। महावीर जी का हमेशा से लता जी के साथ अच्छा संबंध है, तो हमेशा से लता जी गाना गाया करती थी महावीर जी का, तो उनके लिए आपका क्या कहना है? नहीं नहीं, वो कॉम्बिनेशन तो वर्ल्ड का बेस्ट कॉम्बिनेशन रहा। खत्म तो करने देना बेटा, उसके बाद सवाल पूछ लो। मैं कुछ कह रहा हूँ और आप बीच में सवाल कर दिया। चलो भाई की बात पूरी होने दीजिए। नहीं नहीं, अभी हो गई प्रतिभा, प्रतिभा ज्यादा अच्छा बेहतर कह पाएगी। प्रतिभा आप कहिए। बेचारे को क्या है, टाइम नहीं है ना, उसको जल्दी और भी जाना है। कहाँ जाना है, टाइम है। प्रतिभा से पूछा जाए बेटर कहेंगे। सबसे पहले तो हम ये जो श्री के महावीर जी की कॉम्पोजिशंस सुन सुन के, लता जी की गाई हुई कॉम्पोजिशन सुन सुन कर बड़े हुए हैं, एंड दीज कॉम्पोजिशंस आर लाइक रियाज फॉर अस। उनको एक कॉम्पोजिशन को अगर प्रॉपरली गा लिया तो इट फील्स लाइक यू आर यू हैव डन योर रियाज। तो इस तरह से बस कोशिश की है, अच्छा बुरा क्या ही कह सकते हैं, लेकिन ये तो सबके ऊपर है, उनको अच्छा लगना चाहिए। बस ये कोशिश रही है कि अच्छा उनकी कॉम्पोजिशन को एज इट इज़ उतारा जाए, और कोशिश है, देखिए सब सबके सामने आज आ जाएगी, और उम्मीद करती हूँ कि सबको अच्छी लगे। आपके जवाने में गजल बहुत ही कम आ रहे हैं, बहुत ही कम। 5 minutes अभी, नो वेटिंग फॉर यू, वेटिंग फॉर यू। बहुत आ रहे हैं एक्चुअली, बहुत एक्चुअली आप एक्चुअली इसलिए इस सवाल का मैं जवाब देना ज़रूरी मान रही हूँ इस वक्त, कि बहुत सारी गज़लें आ रही हैं और बहुत लोग इन्फ्लुएंस्ड हैं इस गज़ल गायकी से आजकल भी। पहले के ज़माने पे बहुत इंडिपेंडेंट म्यूज़िक जब आता था तो लोगों को पता चलता था, क्योंकि आप जैसे लोग उसको पहुँचाते थे आगे। आज भी ज़रूरत है आप सबको इस चीज़ को और आगे पहुँचाने की। जी जी प्लीज़ 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 सुनो, तुम पहले गज़ल है क्या चीज़, गज़ल है क्या मुझे बताइए, आप लोग कोई जानता है गज़ल क्या है? नहीं है ना, आप नहीं जानते। गज़ल दो बहुत ही खूबसूरत फाइन आर्ट्स का कॉम्बिनेशन है। क्या? गज़ल शायरी और साथ में संगीत। मुझे बताइए कि कौन सा ऐसा कोई क्षेत्र है जो ऐसे दो चीज़ों को कंबाइन करता है। गज़ल लिखी जब जाती है, गज़ल के बारे में आपको और चीज़ बताता हूँ, बहुत ही खूबसूरत चीज़ है कि दो मिसरे का एक शेर होता है। मिसरा मतलब लाइन, मिसरा ये लफ्ज़ है अरबी से, दो पट के दरवाजे होते थे वो उसको मिसरा कहते थे। शेर लफ्ज़ आया है शार से, बाल, एज फाइन एज हेयर एंड एज स्ट्रॉन्ग। तो ये जो है गज़ल एक बहुत ही खूबसूरत कॉम्बिनेशन है। गज़ल गायकी की बात करूँ, गज़ल लिखने वाले तो बहुत हैं, बहुत बड़े बड़े शायर गुजरे हैं, गज़ल का एक सफ़र बहुत तवील है, लेकिन उसको जब गज़ल को सुरों में ढाला जाता है तो उसकी खूबसूरती और बढ़ जाती है। ये नहीं कि शायर की खूबसूरती या जो उसने उसका तखय्युल कुछ कम है, लेकिन जब खूबसूरत आवाज़ जब लगाई जाती है वो अशार पर और उसमें खुद एक बहर होती है, तो एक बहुत ही खूबसूरत एक खाका, एक बहुत ही खूबसूरत माहौल बनता है, उसको गज़ल कहते हैं। तो ये कभी ख़त्म नहीं होगा बेटा, जब तक आपके दिल में इश्क होगा। अगर आप इश्क करते हो, नहीं करते हो, नहीं करते तो फिर बेकार, तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे लिए नहीं है। तो इबादत तो करते ही हो। पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद। मैं माफी चाहता हूँ, कुछ ज्यादा बोल दिया तो, लेकिन मेरा हक बनता है। 42 साल हो गए मुझे इस लाइन में, 42 साल से कर रहा हूँ, तो थोड़ा बात है ना बेटा। मुबारकबाद देना चाहूँगा मैं प्रतिभा जी को, संदीप जी को, स्टीफन देवाशी जी को और सूफी स्कोर को ऑफकोर्स, कि ये वो ला रहे हैं जिसकी जनरेशन को ज़रूरत है, क्योंकि म्यूज़िक यही है जो 50 साल बाद भी नया है।
वो पुराना नहीं होता है। और ये जितना इस जनरेशन के बाद वाली जनरेशन का अगर ये नहीं बताएंगे कि गज़ल कैसे, जैसे आपने पूछ लिया तो इन्होंने गा के ये किया है कि ये गज़ल होती है, जैसे हमने इनको सुनकर बिल्कुल, हमने भी बिल्कुल, तो कोशिश कर रहे हैं इन्होंने, अब ये पास ऑन तो इसी तरह होती ना जनरेशन नहीं, ये तसलसल है, इसका एक तसलसल है, कभी ख़त्म नहीं होगा ये, जैसा कि हम जवान थे, बच्चे थे, सुनते सुनते बड़ों को, आज यहाँ अब हम सीनियर हो गए, अब ये आगे ले जा रही हैं। और ऐसे ही आपको बताना चाहता हूँ मैं, ये आपको भी बताया है कि मैं आजकल मैं ऑनलाइन सिखा रहा हूँ, बीच में आ गया क्लास के, तो एक 11 साल का बच्चा है शिकागो में, वो सीख रहा है, सुर में है वो। और एक 19 साल की बच्ची है जो टोरंटो में है, उसका नाम है नूर, और उसकी क्या फरमाइश थी पता है आपको? कल कहती सर मुझे आप बात करनी मुश्किल सिखाएं। क्या बात है, मैंने कहा कमाल करती हो तुम, और गा रही थी। क्या बात है, वो ऐसी कॉम्पोजिशंस हैं जो तुम मकसद क्या, मैंने कहा तुम वहाँ पैदा हुई कैसे करती हो? तो ये चलिए मेरा ख्याल लोग आ रहे हैं, आप बेटा बुरा मत मानो, तुम बता रहा था कुछ चलिए चलिए कंपोजर हैज डन ए टॉक एवरीथिंग सो वी हैव जस्ट डन द फ्रैगमेंट्स ऑफ एंड दिस सॉन्ग इज एक्चुअली आई हैव टू सिंसियरली थैंक्स संदीप जी फॉर द फर्स्ट कॉल दैट ही गिव एंड आई एम ए बिग फैन ऑफ हिम We have performed a lot before we used to work together with Rajiv ji also, and as a producer, it's my luck that I've got the song to do, and thanks for the supporters who have done, Sufi Score has done this, and the day one he called and said to arrange the song, and I have no idea what is going to happen, but just because of the love I said I will do it absolutely, and he sent me the tune which you have sung, and and I figured out okay, this I have to do it, and only what I have done is I have done no magic on it, it's just a justice. I want to say one thing, that this man he's being very stubborn. No, I'm saying it loud, that it is India's pride that this song has been done by this legend. There is no match of Stephen Devasi in this industry, because what he thinks and what he executes, and above everything, सबसे बड़ी बात ये है कि इन्होंने इतने बिजी शेड्यूल में से मुझे एक बार भी ना नहीं कहा, और बिल्कुल भी ऐसा नहीं कहा कि अरे सर ये वो, he made sure whether it was in Singapore, Malaysia, but he did the track, and the way he's done the track, you will listen. And I'm sure Pratibha will add on to this. 100% when I sang it, I think it was just Tanpura and a click. Absolutely. But when I heard the track later on, I was like, it is only possible if he's done it. But I'm so happy. You have done a great part of the song, and maybe you're the face of the song. So I'm so happy. And Thank you. Thank you. Let's watch the song. Let's tell them we don't want to speak so much. Pratibha ma'am ko actually aap inka solo le lenge acha rahega. Sufi score nahi aayega aise. Thank you kehna chahta hu. Kyunki मैं सबसे पहले संदीप सर को, प्रतिभा मैम को, वैष्णवी मैम को और सूफी स्कोर को थैंक यू कहना चाहती हूँ. इतना बड़ा उन्होंने मुझे इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है, तो थैंक यू सबको. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि प्रतिभा मैम के साथ मेरे को बहुत अच्छा लगा. Thank you. Thank you. आगे भी आप कौन से क्लास में पढ़ते हो? सेकंड में. थैंक यू.